बहुत ही मैं समझता हूं आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। अगर आवाज आ रही है तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में यस लिख। जितने पार्टिसिपेंट है तो वो प्लीज यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। पहले जहां पे जितने भी हमारे पैनलिस्ट आए हुए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और धन्यवाद कहना चाहूंगा। ओके, आवाज की थोड़ी सी इशू आ रही है कुछ लोगों को, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन, ये चीजें अभी रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, होप आप सबको मेरी आवाज बहुत ही क्लियर आ रही होगी। चलिए, जैसे कि मैं कह रहा था आप सबको कि आज का जो स्पेशल सेशन है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे वो समस्याएं, वो नॉर्मल चीजें जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करती हैं, कि आपको रीपर्चेज क्यों करना चाहिए, कंसिस्टेंसी में लोगों को कैसे लाना चाहिए और उसका करने का आप सबको क्या फायदा होता है। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल पैनलिस्ट मौजूद है। अगर आप जो है पैनलिस्ट की लिस्ट देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आज हमारे साथ हमारे यूपी एंड उत्तराखंड के जोनल सेल्स मैनेजर मिस्टर रचित सक्सेना मौजूद है। साथ ही साथ यूपी ईस्ट के एएसएम मिस्टर वीरेंद्र कुमार अरुण मौजूद है और साथ ही साथ मैं आपका होस्ट दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी वेस्ट। और आज यहाँ पे हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, और बातचीत के साथ साथ जो आप लोगों के सवाल होंगे बीच बीच में हम आपके सवालों के भी जवाब देंगे। तो आप अपने सवालों को लगातार अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बीच में जब जो है सेशन बीच में जब हॉल्ट होगा तो उस वक्त हम आपके सवालों के जवाब भी देते जाएंगे इसी सेशन के बीच बीच में। तो जो जितने भी मेजर सवाल हैं आप लोग के उनको तैयार रखिए, और आज का सेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विकास जी ने आप लोगों के साथ जो है यूट्यूब का लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप उस यूट्यूब लिंक के साथ जो है जो टीम मेंबर्स नहीं आ पा रहे हैं अभी, या फिर एंट्री नहीं मिल रही है, या इसके साथ ही साथ बाद में अगर देखना चाहते हैं तो वहां से इस लिंक के जरिए वो देख सकते हैं। आज हमारे साथ जैसे कि मैंने कहा हमारे पैनलिस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आप सबकी तरफ से जोरदार वेलकम चाहूंगा। आप सब अपना हैंड रेस कर सकते हैं हमारे जोनल सेल्स मैनेजर मिस्टर रचित सक्सेना के लिए। सर, ओवर टू यू, वेलकम सर। ओके, थैंक यू दीपक, थैंक यू विकास कुकरेती, बिकॉज विकास कुकरेती एएसएम उत्तराखंड इज आल्सो अवेलेबल, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम सर। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप वेस्टीज के परिवार से जुड़े हुए हैं, और उस परिवार से जुड़े हुए हैं जो वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 30 पे आता है, टॉप 30 कंपनीज में इकलौती हिंदुस्तानी कंपनी के परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। जैसा कि आज का एजेंडा है, हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट रीपर्चेज। हम सब जानते हैं कि हमारे आज के इस बिजनेस में, जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इस बिजनेस में रीपर्चेज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रीपर्चेज, क्योंकि रीपर्चेज ही वो चीज है जिसकी वजह से हमारा चेक, हमारी डाउनलाइन का चेक और हमारी अपलाइन सभी का चेक, और टोटल कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है। तो रीपर्चेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में मौजूद हैं। आज ये नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केट से डिफरेंट है। ट्रेडिशनल मार्केट में और नेटवर्क मार्केटिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। ट्रेडिशनल मार्केट अगर आप बात करें, जो मैं उस परचून की दुकान की बात कर रहा हूँ जिस परचून की दुकान से हम और आप सामान खरीदते हैं जाके, अगर उस परचून की दुकान की बात करी जाए तो उस परचून की दुकान पे जो सामान रखा होता है उसके शेल्फ में, मान लीजिए एक साबुन या एक चाय की पत्ती रखी हुई, तो वो चाय की पत्ती साबुन वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो जाती है। वो कैसे महंगी हो जाती है मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये चाय की पत्ती या ये साबुन किसी फैक्ट्री से आता है, जब ये साबुन बनता है तो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद वो माल वहां से बाहर निकल के आता है CNF के पास, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास, फिर वो जाता है होलसेलर के पास, फिर वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वो जाता है रिटेलर के पास, और उसके बाद रिटेलर ही वो जगह होती है जहां से आप वो सामान खरीदते हैं। तो बीच में बहुत इंटरमीडियरीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और वो अपना सामान, वो ये सामान मतलब आपको बेचते हैं और आप उस दुकान से सामान खरीदते हैं। तो अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें, आप गौर करिए कि जो सामान बाजार, जो फैक्ट्री में 4 रुपए का बनता है,
वो बाहर वो मार्केट में दुकान तक पहुंचते पहुंचते वही 4 रुपए का सामान 10 रुपए का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 60% कॉस्ट जुड़ जाती है इस इन बीच के बिचौलियों की, क्योंकि बिचौलिए जो होते हैं उनको भी अपनी आमदनी करनी है, और उसका जो भार पड़ता है वो कहीं ना कहीं जाके हमारे कस्टमर पे पड़ता है, एंड यूजर पे पड़ता है, उस व्यक्ति पे पड़ता है जो व्यक्ति उस सामान को इस्तेमाल करता है, जैसे आप और हम। इसके अलावा इसमें एक कॉस्ट और जुड़ी होती है, वो होती है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो बहुत ज्यादा होती है, बहुत महंगा होता है सामान। अगर आप गौर करें, आज टीवी पे अमिताभ बच्चन जी तेल बेच रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी कुछ बेच रहे हैं, दीपिका पादुकोण कुछ बेच रही है, रणवीर सिंह कुछ बेच रहे हैं, हर सेलिब्रिटी कुछ ना कुछ सामान बेच रहा है, कुछ ना कुछ सामान प्रमोट कर रहा है। क्या लगता है ये सारे सेलिब्रिटीज ये सामान इस्तेमाल कर रहे होंगे? नो, ये सारे सेलिब्रिटीज ये सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारे सामान आपको बेचते हैं या आपको मिलते हैं, ये बोलते हैं खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं, हर पूरी दुनिया जानती है, ये कंपनियां जानती है कि इन सेलिब्रिटीज को आप पसंद करते हैं, और आप पसंद करते हैं तो आप इनके कहे हुए सामान को खरीदना चाहेंगे। होता क्या है कि इस वजह से वो सामान हम दुकानदार से खरीद लेते जाके। अब दुकानदार जब हम सामान खरीदते हैं तो हम अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों को दे आते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मैन्युफैक्चर जो काम सामान जिस दाम पे पैदा मैन्युफैक्चर करता है वो सीधे अपने एंड यूजर यानी कि कस्टमर यानी कि आप और हम तक पहुंचा देता है, और जो बीच के बिचौलियों का जो मार्जिन है वो हम लोगों को एज अ आमदनी वापस कर देता है, एज अ इनकम रिटर्न कर देता है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं एडवर्टाइजिंग की, तो यहाँ वहां एडवर्टाइजिंग अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं आप और हम, आप लोग और हम लोग, जो इन उत्पादों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। नाउ ऐसा क्यों होता है कि जब रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन कोई सामान किसी को बताते हैं तो वो लोग सामान खरीदते हैं लोग, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम बताते हैं तो वो सामान लोग नहीं खरीदते हैं या वो सामान रिपर्चेज नहीं आती? एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो लोगों को इस बिजनेस में परेशान करता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेजोरिटी, ज्यादातर लोगों की ये समस्या होती है कि लोग रिपर्चेज नहीं करते। अब एक चीज समझिए कि रिपर्चेज क्यों नहीं करते हैं? आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग जब कोई किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं, किसी के पास नए बिजनेस के बारे में बात करने जाते हैं, तो जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, हम उससे जब बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो जो सामान है हम वो सारी चीजें उसको बेच सके, हम वो सामान उसको बेच दें। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम उसको सामान बेच दें जो हमारे पास उनको बेचने के लिए है, जबकि गलत प्रैक्टिस है। हमारे पास जो जो सामान है उसको बेचने के लिए हो सकता है वो उसके लिए जरूरी ना हो, हमें उसको वो सामान देना है जो उसके लिए जरूरी है। और वो जरूरी जरूरत हमें कैसे समझ में आएगी, वो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके लिए क्या जरूरी है? हमारे माइंडसेट क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारे बैग में अगर एक नोनी की बोतल है, एक स्पाइरुलिना है, एक चाय की पत्ती पड़ी है, और एक साबुन पड़ा है, और एक टूथपेस्ट पड़ा है, तो हम कोशिश ये कर हमारी कोशिश क्या रहती है कि ये पांच का पांच सामान वो खरीद ले, आज का हमारा पीवी निकल आए और ज्वाइनिंग कर ले और पांच सामान पांच प्रोडक्ट हमसे ले ले। लेकिन क्या उसको एक्चुअली नोनी की जरूरत है? क्या उसको स्पाइरुलिना की जरूरत है? क्या उसको जरूरत है उस टूथपेस्ट की? वो जरूरत जब तक वो अपने मुंह से नहीं कहेगा तब तक वो सामान हमारा एक बार तो ले लेगा, दोबारा नहीं ले। हो सकता है हमारे रिलेशंस, हमारे संबंध अच्छे हो तो एक बार तो हमसे सामान ले ले, लेकिन रीपर्चेज नहीं आएगी। यानी कि परचेज आएगी, रीपर्चेज नहीं आएगी। रीपर्चेज का मतलब होता है कि दोबारा वही सामान हमसे खरीदे, दोबारा वो सामान आपकी कंपनी से ले। एक बार तो आपके कहने से सुखता ले ले, लेकिन दोबारा नहीं लेगा। दोबारा कब लेगा? एक, जब उसको उसकी जरूरत महसूस होगी, दूसरा जब उसको वो सामान अच्छा पसंद आएगा, तभी इन्हीं दो कंडीशंस में वो सामान दोबारा खरीदेगा। नाउ ये सवाल आता है कि दोबारा वो उसको वो, उसकी उस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों होगी, या वो रिपर्चेस क्यों करे जाके, उसको सामान पसंद आया कि नहीं आया। ये सारी चीजें जानने के लिए एक अहम पॉइंट है जो हम सबको जरूरी है याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करें, जब भी हम किसी से बात करें, हम पहले उसको सुने, हम अपनी बातें ना कहें, हम उसको सुने, उसकी बातों को ज्यादा सुने, उससे समझने की कोशिश करें
मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए हम किसी एक व्यक्ति के घर गए, हम उससे बात करने गए और उस व्यक्ति के घर में हम गए, उसके घर से हम बात कर रहे हैं, उसने जाहिर सी बात है एक एक व्यक्ति है उसके घर जाता है, सामने एक व्यक्ति बैठा होता है। अब उसको उससे जब हम बात करेंगे तो हमारे सवाल करने चाहिए, अगर हमें पता है कि वो क्या करता है, मान लीजिए नौकरी करता है, तो हमने उससे पूछा सर और क्या आप क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, तो पता चलेगा और सर कहाँ नौकरी करते हैं, क्या बिजनेस कर, क्या नौकरी है आपकी, अच्छा अप्रोक्सीमेटली सर ठीक ठाक सैलरी तो आई जाती होगी, क्योंकि वो किस तरह का है वो स्टैंडर्ड हमें उसके घर में पहुंचने समझ में आ जाता है। तब तक उसकी वाइफ आएगी चाय की प्याली लेके, तो पता चल गया शादीशुदा है तो वाइफ है उसकी। थोड़ी देर में बच्चा घूमता हुआ इधर से आया, साइकिल लेके चला गया या कोई सामान किताब कॉपी उठा के ले गया, पता चल गया बच्चा है उसने। थोड़ी देर में उधर से बूढ़ी माता जी आई, बूढ़ी माता जी आके डाइनिंग टेबल पे बैठी आके, उनके उनको चलने में दिक्कत थी। अब ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, हम उनसे बात भी कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। अब हमें क्या जहन में आ गया कि इनके घर में हम इन जाहिर सी बात है तेल साबुन शैम्पू चाय की पत्ती तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अगर बूढ़ी माता जी हो जिनको चलने में दिक्कत है तो ग्लूकोसामाइन कैल्शियम और कोलेजन इस्तेमाल हो सकता है। उनकी अगर एज ज्यादा है तो उनके घर में फ्लेक्सॉइल यूज हो सकता है। अगर हस्बैंड नौकरी पेशा है, ज्यादातर समय प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी में काम करता रहता है, तो हमें ये समझ में आ सकता है कि उसके लिए स्पायरुला एनर्जी की जरूरत है, उसके लिए स्पायरुला जरूरत है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे लिए उससे समझने की, और उसके बाद हम उससे समझ सकते हैं कि उसको क्या जरूरत है। दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझने के लिए, नाउ जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है केवाईसी, नो योर कस्टमर। हम केवाईसी जब लेते हैं तब उससे आधार कार्ड लेते हैं उसका, हम उससे पैन कार्ड लेते हैं उसकी ज्वाइनिंग कराने के लिए, लेकिन क्या वाकई में हम अपने कस्टमर को जानते हैं? क्योंकि अगर हम कस्टमर को जानेंगे तो उसकी जरूरतों को जानेंगे, और उसकी जरूरतों को जानेंगे तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर पाएंगे, राइट? और अगर उसकी जरूरत के हिसाब से हमने उसको प्रोडक्ट रिकमेंड किए तो उस और उसके बाद उसने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और उसको अच्छे लगे तो रिपर्चेज तो आएगी ही आएगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने कस्टमर को जाने, हम अपने कस्टमर को पहचाने कि हम किससे बात कर रहे हैं, और ये सारी चीजें एनालाइज। मैंने आपको एक एग्जांपल एक उदाहरण दिया, एक सीन क्रिएट किया आपके सामने कि हम जब किसी घर जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। ये सारी चीजें हम देखें, हम उसको सुने कि वो क्या करता है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके खान पीन कैसा है, बाहर कितने बार खाता है, घर में कितना खाते हैं, क्या क्या उनके फेवरेट फूड क्या है, बच्चा कैसा है, बच्चे की एज कितनी है, एज के हिसाब से क्या उसकी हाइट ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको एनालाइज करने में मदद करेंगी कि एक्चुअली उनके लिए कौन से प्रोडक्ट जरूरी हैं, और जब उनको हम उनकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे हमारे लिए ये रिपर्चेज जरूर हमें देंगे। ये एनालाइज करने के लिए हमारा उनको जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अब रिपर्चेज एक रीजन और है कि क्यों नहीं करते लोग। अब हम सब इस बिजनेस में हैं, आप आई एम श्योर जितने लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं आप किसी ना किसी की डाउनलाइन है और किसी ना किसी की अपलाइन है। हम सब जानते हैं कि ये बिजनेस हमारा, ये जो व्यापार है, ये डुप्लीकेशन का व्यापार है। हम सब इस ग्रुप में बैठा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर जरूर होगा। अब जब हम उस ग्रुप के मेंबर हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी डाउनलाइन रिपर्चेज करे, लेकिन अगर हम खुद नहीं करेंगे तो क्या हमारी डाउनलाइन रिपर्चेज करेगी? नहीं। तो अगर हम रिपर्चेज करेंगे तो हमारी डाउनलाइन रिपर्चेज करेगी, लेकिन हमारी डाउनलाइन को कैसे पता चलेगा कि हमने रिपर्चेज करी? जब हम अपनी रिपर्चेज करने के बाद अपनी जो इनवॉइस है हर उस ग्रुप में शेयर करेंगे जिस ग्रुप में हमारी डाउनलाइन मौजूद है, जब हम शेयर करेंगे उस इनवॉइस के साथ अपनी फोटो या इस इनवॉइस को शेयर करेंगे कि मैंने अपनी रिपर्चेज कर ली, क्या आपने करी, तो क्या लगता है आपको आपकी डाउनलाइन रिपर्चेज करेगी, यस या नो? ये सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर हम रिपर्चेज करेंगे तो हमारी रिपर्चेज करने की के बाद हमारी डाउनलाइन रिपर्चेज करेगी। याद रखिएगा रिपर्चेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपर्चेज बहुत जरूरी है, लेकिन रिपर्चेज तभी होगी जब लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। आप सोच के देखिए, आटा हर महीने आदमी रिपर्चेज करता है, रिपर्चेज का मतलब होता है दोबारा खरीदना। आटा क्यों हर महीने रोज खरीदता है? क्योंकि उसकी जरूरत है। वो जरूरत उसको महसूस कौन कराता है? उसका पेट। ये सालों से हमें दिखाई देता रहा है। टूथपेस्ट हर महीने क्यों खरीदता है इंसान? क्योंकि उसको जरूरत है। लेकिन वो आपसे टूथपेस्ट क्यों खरीदेगा? नाउ एक पॉइंट आता है, वो आपसे टूथपेस्ट क्यों खरीदे या आपकी कंपनी से टूथपेस्ट क्यों ले? इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल आता है आपका। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं,
अपनी हर मीटिंग में लोगों से कि दोस्तों कभी भी कोई इंसान आपसे सामान नहीं खरीदता, वो सबसे पहले आपको खरीदता है। मेरा मतलब आपको खरीदने का, आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपकी शख्सियत को खरीदता है। कोई भी इंसान सबसे पहले वेस्टीज से नहीं जुड़ता है, वो आपसे जुड़ता है, वो आपसे जुड़ के काम करता है। अगर उसको ये महसूस हो जाए कि आप उसके हित के लिए, उसके भले के लिए, उसके उसके लिए ये काम कर रहे हैं, उसके परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उसके परिवार के लिए उसको बता रहे हैं, तो वो आपसे जुड़ेगा। और जब वो आपसे जुड़ेगा, सिर्फ आपसे सामाजिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे जुड़ेगा। मानसिक तौर का मतलब होता है हमारा वो रिलेशन जो दूसरे से बनता है, वो व्यवहार जो हम दूसरे से करते हैं, अगर वो आपसे जुड़ गया तो वो जाहिर सी बात है आपके आपके लोगों आपसे कनेक्टेड रहेगा और आपके तरह वो भी रिपर्चेज करेगा, वो सामान को खरीदेगा, तब वो पहली बार सामान को इस्तेमाल करेगा। इंसान आपसे जुड़ के पहली बार खरीदता है, लेकिन इंसान आपसे कनेक्टेड होता है तो बार बार खरीदता है। आप ये आपके ऊपर है कि आप उससे किस हद तक कनेक्ट होते हैं, अपने कस्टमर से, अपनी डाउनलाइन से, अपने प्रोस्पेक्ट से किस हद तक कनेक्ट होते हैं। अगर आप अपने अपने कस्टमर से कनेक्टेड हैं तो वो सामान आप सोच के देखिए। मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों। आप सब अपने मोहल्ले में कभी ना कभी, आप जानते होंगे, किसी पर्टिकुलर दुकान मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदते होंगे। आप क्यों एक ही दुकान से मिठाई खरीदते? क्योंकि उस मिठाई की दुकान का स्वाद आपको पसंद है। कभी ना कभी तो आपने उस दुकान से पहली बार मिठाई खरीदी होगी। पहली बार, जब पहली बार आपने खरीदी तो आपको पसंद आया, लेकिन वो पहली बार याद करिए कैसे खरीदने गए थे, कब खरीदने गए थे? जब किसी ने आपको उस दुकान के बारे में बताया था कि ये इस दुकान की मिठाई खरीदो, ये दुकान की मिठाई बहुत अच्छी होती है, तब आप गए उस दुकान से मिठाई खरीदने, आपने खा के देखा और आपको अच्छी लगी। आपने दुकान से सामान खरीदने से पहले आपने उस व्यक्ति पे भरोसा किया जिसने आपको दुकान के बारे में बताया। याद रखिए कि लोग आप पे अगर भरोसा करेंगे तो आप अगर उनसे कहेंगे कि सामान वेस्टीज से लेना है तो वो वेस्टीज से ही सामान लेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर उनका भरोसा जीतना है। और उनका भरोसा जीतने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी का लेवल। आप कितना जानकार हैं अपने उत्पादों के लिए, आप कितने जानकार हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिन प्रोडक्ट्स को आप उनको बताने आए हैं, आप कितना जानकार हैं सामाजिक स्थितियों को देखते हुए, आप कितना जानकार हैं उस पर व्यक्ति के बारे में, आपको कितनी जानकारी है उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में, उस व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति के बारे में, उस व्यक्ति की हर स्थिति के बारे में आप कितना जानकार हैं। याद रखिए एक चीज फिर से आती है, अपने कस्टमर को जानना बहुत जरूरी। अगर आप उसको जानते हैं, अगर आप उसको जानते हैं तो आप उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है। और वो अगर ये समझ गया कि आप उसको जानते हैं तो वो आपकी बातों पे भरोसा करेगा, यस या नो? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप वो ये समझ चुका है कि आप उसको जान चुके हैं, आप उसको समझ चुके हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि हम रिपर्चेज को किस तरीके से लें। सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी नॉलेज लेवल को बढ़ाना, अपने कस्टमर को जानना, और डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो पहले खुद करना और उसके बाद दूसरों को करने को बोलना। नाउ रिपर्चेज के बाद बात आती है इंपॉर्टेंट कि वेस्टीज आपको कैसे मदद करती है रिपर्चेज करने में, और क्या फायदा देती है आपके कस्टमर, आपके एंड यूजर, आपकी डाउनलाइन को। वेस्टीज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम देती है, रिपर्चेज स्कीम। रिपर्चेज स्कीम यानी कि जो हर महीने आपके लिए आती है, हर महीने की रिपर्चेज स्कीम जो आपकी आती है, जिसमें आप उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग डोमिनेशंस में खरीद सकते हैं, और डिनोमिनेशंस में खरीदने के बाद आप स्कीम के प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। रिपर्चेज स्कीम को और बेटर यूटिलाइज करने के लिए कंपनी ने एक नई स्कीम लॉन्च करी, वो थी कंसिस्टेंसी स्कीम। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? लगातार बार बार निरंतर। दोस्तों सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो एक काम को लगातार बार बार निरंतर करता है, और इसी वजह से यही कारण था वेस्टीज का रिपर्चेज स्कीम के बाद कंसिस्टेंसी स्कीम लाने का, कि जो लोग लगातार बार बार निरंतर इस व्यापार को कर रहे हैं उनको और उनके डाउनलाइन को और उनके कंज्यूमर्स को फायदा मिले। साथ साथ एक मंशा थी कंपनी की कि आज की डेट में जो हम कहते हैं जागो ग्राहक जागो, तो उन ग्राहकों को अपना, उनका हित,
उनका बेनिफिट, उनका भला बताने के लिए वेस्टीज ये कंसिस्टेंसी स्कीम लेके आई। आप सोच के देखिए, आप इतने सालों से जिन दुकानदार से सामान खरीदते चले आ रहे हैं, वो दुकानदार आज भी आपको कभी भी एक साबुन भी फ्री में नहीं देता है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार की आदत होती है कि हर 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 व्यक्ति मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करता है, उसकी आदत होती है कि जनरली हम जिस दुकान से सामान ले रहे होते हैं, कई कई सालों से लगभग उसी दुकान से सामान ले रहे होते हैं, लेकिन कई सालों से भी उस दुकान से सामान लेने के बावजूद वो दुकानदार कभी भी हमको एक साबुन फ्री में नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो साबुन भी वो खरीद के लाया है, उसमें उसका मार्जिन जुड़ा है। लेकिन वेस्टीज से अगर आप लगातार बार बार निरंतर जुड़े हुए हैं, तो वेस्टीज आपको देती है कंसिस्टेंसी स्कीम। अभी कंसिस्टेंसी स्कीम क्या कहती है? एक आमतौर पे मैं आपको पहले बताऊंगा कंसिस्टेंसी स्कीम कहती क्या है, ये आप सब लोगों को ज्यादातर लोग मालूम है, फिर भी बताऊंगा। लेकिन कंसिस्टेंसी आपके लिए फायदेमंद कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी एक कंज्यूमर के लिए फायदेमंद कैसे है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी स्कीम आप अगर गौर करके देखिए, कंसिस्टेंसी स्कीम उसके लिए है जो बार बार लगातार निरंतर इस्तेमाल करता है। अब एक आम आदमी, हर आम आदमी करीब करीब हर महीने 3,500 से 3,500 रुपए का सामान, तेल, साबुन, शैम्पू, डिओड्रेंट, चाय की पत्ती, कपड़े धोने डिटर्जेंट पाउडर, नेल पॉलिश क्रीम, लिपस्टिक, बालों में लगाने वाला तेल, खाना बनाने कुकिंग ऑयल, डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, इन सारी चीजों पे लगभग लगभग 3,000 से 3,500 रुपए हर आदमी खर्च करता है, लगभग लगभग 3,000 से 3,500 रुपए। अब कंसिस्टेंसी स्कीम मैं क्या लेके आया, क्योंकि ये 3,500 रुपए जब हर महीने व्यक्ति इंसान खर्च कर रहा है, तो हर महीने उसको ना दुकानदार तो कोई फायदा दे नहीं रहा, हम क्या दे रहे थे, रिपर्चेस स्कीम। लेकिन उसके बावजूद जब वो लगातार कंसिस्टेंट है, कोई व्यक्ति अगर वेस्टीज परिवार से कंसिस्टेंट लगातार जुड़ा हुआ है, तो हम उसको और फायदा पहुंचा सकते थे। इस वजह से वेस्टीज की आती है कंसिस्टेंसी स्कीम। अब ये कंसिस्टेंसी स्कीम क्या कहती है कि अगर आप लगातार 4 महीने तक 100-100 पीवी की खरीदारी करते हैं, तो चौथे महीने खरीदारी करने के बाद आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। अब 2500 रुपए का प्रोडक्ट अगर आपको फ्री मिल रहा है, तो ये 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री हो तो मिल ही रहा है, लेकिन ये सिर्फ ये 2500 रुपए का फायदा आपको नहीं हो रहा। अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं, अगर आप गौर करें 4 महीने में आपको टोटल कितना फायदा होता है, आज मार्केट में आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं, 100 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है, दुकानदार 100 रुपए का ही देता है, 100 रुपए का प्रोडक्ट वो 99 रुपए में नहीं दे तैयार होता है। लेकिन सबसे पहला फायदा आपको वेस्टीज में क्या हो रहा है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको 10-20% कम दाम पे मिल रहा है। अगर 120 रुपए उसका एमआरपी है, तो वो केवल 100 रुपए मिल जा रहा है। तो पहला फायदा तो आपका ये हो रहा है कि एमआरपी और डीपी का डिफरेंस मिल रहा है। तो अगर मैं एवरेज उठा चलते हैं 100 पीवी की अगर मैं बात करता हूं, तो 100 पीवी करीब करीब 3,300 रुपए का आता है खरीदारी अगर आप करते हैं, तो 100 पीवी आपका हो जाता है। नाउ अगर हम देखें तो 4 महीने अगर हम 3,300-3,300 रुपए खरीदारी करते हैं, तो टोटल हमने 4 महीने 3,300-3,300 खरीदारी करी, तो टोटल हमने वेस्टीज को कितना पैसा दिया, पहले ये समझने की कोशिश करिए। पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, आप सबके पास मोबाइल कैलकुलेटर सब चीजें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास जी से भी कि वो यहाँ पे फ्रंट में करके दिखाएं कि अगर 3,300 का सामान हम 4 महीने खरीद रहे हैं, ये हमारा 100-100 पीवी, मैं 100 पीवी कंसिस्टेंसी बता रहा हूँ अभी आपको, इसके बाद मैं 60 पीवी कंसिस्टेंसी भी बताऊंगा आप लोगों को। तो 3,300-3,300 रुपए का सामान अगर हमने 4 महीने खरीदा, 3,300 × 4, तो टोटल अमाउंट हमने कितना कंपनी को दिया, 13,200 रुपए हमने वेस्टीज को दी। अब बेनिफिट में क्या है, फायदा क्या हो रहा है हमको, फायदा हमको ये हो रहा है कि 13,200 जब हमने उनको दिए, तो 13,000 रुपए जब हम 3,300 रुपए महीना उनको दे रहे हैं, महीना वेस्टीज को दे रहे हैं, तो हमें एक रीपर्चेस स्कीम का लाभ मिल रहा है। हर महीने हमको 8-8.5% की रिपर्चेस की मिलती है, जिस करीब करीब हम 250 रुपए मान लेते हैं। तो 250 रुपए महीने के हिसाब से अगर देखा जाए, तो 1,000 रुपए 4 महीने में हो गए, 1,000 रुपए में अब हमें रिटर्न में क्या मिलता है, 4 महीने तक लगातार 250 रुपए का प्रोडक्ट हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, तो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट हमें वापस आ गया। दूसरा जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है, अगर 3,300 रुपए डीपी का सामान हमने लिया है, तो उसकी एमआरपी लगभग कितनी होगी मार्केट में, 15% जोड़ लेते हैं, करीब करीब 3,800 रुपए होगी, 500 रुपए पर मंथ हमें एमआरपी और डीपी का फायदा हो रहा है, यानी कि 4 महीने का हमें 2,000 रुपए एमआरपी और डीपी का डिफरेंस का फायदा हुआ।
तो 2000, 2000 और 1000, 1000 को भी हमारा हो गया स्कीम का फायदा जो हमें मिला 8.5% की, 2000 रुपए हमारा हो गया एमआरपी और डीपी के डिफरेंस का फायदा, 3000 रुपए का फायदा हो गया। इसके बाद आते हैं, अगर आप 3300 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो करीब करीब 90 रुपए का आपके आसपास आपका महीने का कमीशन बनेगा, महीने का बोनस बनेगा। तो 4 महीने का ये हो गया 360 रुपए, 4 महीने का हो गया 360 रुपए, 90 रुपए गुणा 4, 4 महीने का हो गया 360 रुपए। 1000 रुपए हमें स्कीम का फायदा मिला, 2000 रुपए एमआरपी के डीपी के डिफरेंस का फायदा मिला, 360 रुपए हमारा कमीशन बना। और इसके बाद 2500 रुपए का प्रोडक्ट भी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। तो अब इन चीजों को जोड़ लेते हैं, 2000, 1000, 360 और 2500, फटाक से स्क्रीन पे जोड़ लेते हैं, जो भी आप लोग आपके पास भी अगर कैलकुलेटर है आप जोड़ सकते हैं, 2000 प्लस 1000 प्लस 360 और प्लस 2500 रुपए, ये टोटल हुआ जाके हमारा 5860। हमने कितना दिया, 13000, हमने कितना दिया था पहले, 13200, जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है। उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि अगर 3300 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो करीब करीब 3800 रुपए का वो होगा एमआरपी में, तो वो 500 रुपए महीने का डिफरेंस है जो 4 महीने में जाके 2000 रुपए होता है। जो 1000 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, वो 250 रुपए महीने की स्कीम के हिसाब से है, एवरेज लिया है मैंने, 4 महीने में वो जाके 1000 रुपए होता है। और 360 रुपए मैंने 90 रुपए महीने के कमीशन के हिसाब से जोड़ा है और 2500 रुपए का प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो आप एक चीज समझिए कि 13200 में से अगर 5860 रुपए माइनस कर देते हैं तो एक एंड कंज्यूमर को क्या फायदा मिलता है, ये देखने की कोशिश करिए। 13200 में से अगर हम 5860 रुपए माइनस करते हैं, 7340, एक्चुअली 7340 रुपए में हमको 13200 रुपए के प्रोडक्ट मिले, पहला फायदा 5860 रुपए हो गया। अब इसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे, अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं कि 13200 का हमने अगर सामान खरीदा है तो हमें कितना डिस्काउंट आ गया, एक तरह से अगर डिस्काउंट ले लें, स्कीम कह लें, फायदा कह लो, कुछ भी कह लो आप, कितना प्रोडक्ट सस्ता पड़ा जाके, हमको ये समझने की कोशिश करिए। लगभग 45% अप्रोक्सीमेटली 45% का डिस्काउंट मिल गया हमको। अगर हम 13200 का सामान खरीद रहे हैं तो वापसी हमारे पास 45% का हमें, आप एक चीज समझिए, वो 13200 का सामान वो हमें एक्चुअली 55% बढ़ा। अब एग्जैक्टली एग्जैक्ट अमाउंट हिमांशु बजाज जी ने बता दिया कि 44.39%, हम 44% मान लेते हैं, चलिए 44% का फायदा हमें आ रहा है, 44% का फायदा, यानी कि जो सामान हमने जिसके हमने 13200 दिए थे उसका 44% फायदा हमको मिल जाता है। एक्चुअल हम सिर्फ 56% पैसा दे रहे हैं, एक्चुअल सिर्फ 56% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारे पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस्तेमाल करने के लिए 4 महीने तक प्रोडक्ट घर में आ रहे हैं, जो कि किसी भी दुकानदार से हमें नहीं मिल सकता, कोई भी दुकान हमें नहीं दे सकती, कोई ट्रेडिशनल मार्केट की शॉप नहीं दे सकती। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, विकास आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करोगे आप तो लोगों को, स्क्रॉल करके लोगों को अगर ऊपर करेंगे तो लोग देख पाएंगे कि डिस्काउंट्स क्या क्या फायदे मिले हैं। पहला, सबसे पहला फायदा कि 3300 रुपए का जो सामान है वो 4 महीने, बस 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 ज्यादा नहीं, 3300 रुपए का सामान है, मेक इट लिटिल डाउन या बस दैट्स इट, 3300 रुपए का सामान अगर हम 4 महीने लेते हैं तो हम 13200 रुपए वेस्टीज को देते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में हर महीने में 250 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है, विच इज अ स्कीम, जो स्कीम होती है। 250 रुपए की स्कीम को अगर 4 महीने कैलकुलेट करते हैं तो 1000 हो जाता है। 3300 रुपए की डीपी, 3300 रुपए डिस्ट्रिक्ट प्राइस के प्रोडक्ट, अगर हम
एमआरपी से कैलकुलेट करें तो उसका बाजार, क्योंकि बाजार का दुकानदार तो हमें एमआरपी पे देगा, वो तो हमें डीपी पे नहीं देता, तो ये तो हमारा फायदा है ना। और फायदा क्या मिल रहा है, 3300 और 3800 रुपए में 500 रुपए का फायदा हो रहा है हमें हर महीने, यानी कि 500 रुपए की बचत हो रही है हमारी हर महीने। ये 500 रुपए के हिसाब से 4 महीने जोड़ लीजिए तो 2000 रुपए होता है। तो 1000 स्कीम का, 2000 एमआरपी और डीपी के डिफरेंस का। उसके बाद नीचे आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, हर महीने अगर हम इतना सामान खरीद रहे हैं तो करीब करीब 90 रुपए का चेक बनता है, तो 360 रुपए कमीशन आ जाता है। 360 रुपए आ गया, 360 के हिसाब से कमीशन हो गया, और 2500 रुपए का सामान भी तो आपको 4 महीने बाद मिलेगा, वो भी तो हमारा फायदा है जिसके पैसे हमें देने नहीं पड़ेंगे, तो वो 2500 रुपए हो गया। इन चारों अमाउंट को अगर आप जोड़ते हैं तो स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट मोर विकास, इन चारों अमाउंट को हम जोड़ते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 5860। अब 13200 हमने दिए, 5860 उसमें से घटा दिए, तो एक्चुअल हमारी जेब से 7340 रुपए लगा। एक्चुअल देखा जाए तो ये एक कस्टमर, एक कंज्यूमर, एक एंड यूजर, एक ग्राहक का फायदा है या नहीं, ये आप पूछ अपने आप से पूछें। अब इसी कैलकुलेशन को हम 60 पीवी से लेके चलते हैं, क्योंकि कमाए पास 60 पीवी का भी एक वो आ गया है, 60 पीवी का भी एक हमारे पास कंसिस्टेंसी आ गई है। अब ये 3300 करने के लिए एक बहुत फायदा, बड़ा फायदा ये देखिए, ये 100 पीवी करने के लिए भी वेस्टीज ने आपको क्या फायदा दिया है कि आप इसको ब्रेकअप में कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक साथ, क्योंकि हमारी भी आदत होती है कभी हम दुकान से सामान खरीदने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गए और हमने कुछ सामान खरीद लाए, 1500 रुपए का सामान खरीद लाए, फिर बाद में जरूरत पड़ी तो हमने 1800 रुपए का सामान फिर खरीद लिया, तो हम ब्रेक करके भी खरीद सकते हैं मल्टीपल इनवॉइसेस में। एक ये बहुत बड़ा फायदा है, आप 100 पीवी का सिंगल इनवॉइस में खरीदें मल्टीपल इनवॉइस में, फायदा आपको इतना ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप गौर करें कि जो 2500 रुपए का सामान आपको आखिरी में मिलता है वो एमआरपी पे, उसका एमआरपी देखा जाए तो वो कैलकुलेशन तो मैंने जोड़ी नहीं क्योंकि वो भी करीब करीब 3000 रुपए एमआरपी का सामान होता है, तो 500 रुपए अगर वो फायदा भी हम जोड़ लें तो करीब करीब 46% 47% 48% का डिस्काउंट मिल जाता है आपको। नाउ 60 पीवी की अगर मैं बात करता हूं, 60 पीवी, अब 60 पीवी की अगर मैं, अगर आप सोचिए 60 पीवी का सामान अगर किसी को जो खरीदना है तो करीब करीब 1800 रुपए 1900 रुपए का सामान होगा, 1800-1900 रुपए। अब 1800-1900 रुपए का सामान अगर वो पर मंथ ले रहा है, 1800 रुपए चलिए हम ले लेते हैं, 1800 रुपए का सामान अगर वो पर मंथ ले रहा है तो 1800 × 4 7200 रुपए, 7200 का सामान खरीदेगा, यानी कि टोटल 7200 रुपया वेस्टीज को देगा वो 7200 एक कस्टमर। अब उसको फायदा क्या मिलता है, अगर 1800 रुपए का महीने का सामान खरीद रहा है, अगर हर महीने वो 1800 रुपए का सामान खरीदता है तो करीब करीब 150 रुपए का प्रोडक्ट उसको फ्री मिलेगा। तो 150 रुपए के हिसाब से 150 रुपए का प्रोडक्ट अगर फ्री मिल रहा है तो 4 महीने में 600 रुपए हो गया। स्कीम का प्रोडक्ट 150 रुपए का आया तो 4 महीने में 600 रुपए का सामान उसने खरीदा। अब इस 1800 रुपए का एमआरपी और डीपी डिफरेंस निकाल लीजिए, 1800 रुपए का एमआरपी और डीपी डिफरेंस अगर हम निकाल लें तो जो 1800 रुपए में आपको सामान मिला है करीब करीब उसकी एमआरपी 2200-2300 रुपए तो होगी, 2200-2300 रुपए, क्योंकि 10-20% का मार्जिन होता है, हम 2300 रुपए भी अगर मान लेते हैं तो 2200 भी मान लेते हैं, आप कम से कम मान लीजिए, अभी आप 1800 रुपए जो डीपी का सामान है वो अगर एमआरपी की बात करी जाए तो उसकी 2200 रुपए अगर आएगी तो डिफरेंस कितना हो गया, 400 रुपए, 4 महीने में 1600 रुपए। और 60 पीवी से अगर कोई सामान खरीद रहा है तो उसका चेक करीब करीब 50 रुपए तो बनेगा,
तो 200 रुपये 4 महीने के ये हो गए। अब आप जोड़ लीजिए, 600 रुपये, 1600 रुपये, 200 रुपये, और प्लस जो 1250 रुपये का आपको सामान मिलेगा, इसको टोटल कर लीजिए। अब 7200 रुपये का सामान हमने खरीदा और 3650 रुपये वापस आ गए। डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लीजिए, 50%, यानी कि 7200 रुपये इंसान ने दिया और 3650 उसके वापस आ गए, 50% डिस्काउंट। कौन, मुझे आप सब सोच के बताइए, आप अपने लोगों से पूछ लीजिएगा कि कौन सा ऐसा दुकानदार है मार्केट में जो 50% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। आप सब समझ रहे होंगे कि एक्चुअल कंसिस्टेंसी का कितना फायदा होता है। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा हो कि कंसिस्टेंसी का फायदा कितना होता है। आप सब समझ रहे होंगे कंसिस्टेंसी हमारे लिए। नाउ आप जिस तरीके से मैंने आप सब लोगों को बताया, आप ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरीके से अपनी डाउनलाइन, अपने कस्टमर, अपने कंज्यूमर, अपने प्रोस्पेक्ट को बताएंगे, तो क्या वो आपसे कंसिस्टेंसी लेने में इच्छुक होगा, वो लेना चाहेगा? क्या वो पसंद करेगा कि आप वेस्टीज से, वो वेस्टीज से जुड़ के सामान खरीदे? क्या वो चाहेगा कि वेस्टीज से जुड़े और वो अपने घर का सामान जो बाजार से खरीद के लाता है वो बाजार से ना खरीद के वेस्टीज से लेना शुरू कर दे? ये सवाल आपके लिए दोस्तों। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर अगर हमारे पास जानकारी होगी तो हम किसी को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उसके सवालों को जवाब दे सकते हैं। 60 PV का जो कैलकुलेशन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास जी से कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे से धीरे धीरे आगे बढ़ाए, ताकि मैं फिर से एक बार लोगों को बता दूं, लोग उसको लिख सके। फ्रेंड्स, ये 60 PV पहली बात तो आपको मल्टीपल इनवॉइसेस में करनी है। अगर आप 60 PV का सामान खरीदते हैं, करीब करीब 1800 रुपए का सामान खरीदते हैं, 4 महीने लगातार, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफर 4 महीने के लिए होता है, तो अगर हम 60 PV का सामान 4 महीने लगातार खरीदते हैं तो 1800 रुपए का सामान 4 महीने लगातार खरीद रहे हैं, यानी कि टोटल हम वेस्टेज को दे रहे हैं 7200 रुपए, 7200। अब 7200 रुपए अगर हम वेस्टेज को दे रहे हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, एज अ कस्टमर हमें क्या फायदा मिल रहा है? सबसे पहला फायदा जो मिल रहा है कि हमें स्कीम का प्रोडक्ट मिल रहा है, हर महीने स्कीम का रीपर्चेस स्कीम का लाभ मिल रहा है। एक महीने, हर महीने की अगर रीपर्चेस स्कीम एवरेज उठा के देखूं तो करीब करीब 150 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। अब 150 रुपए के हिसाब से अगर आप देख लें तो चार महीने हमें आपको फायदा मिला कितने रुपए का, 600 रुपए का। और 600 रुपए का फायदा आपको जब मिलता है तो 600 रुपए का फायदा पहला फायदा होता है। इसके बाद डीपी और एमआरपी का डिफरेंस समझ लीजिए। अब डीपी और एमआरपी का डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो 2200 रुपए का प्रोडक्ट जो है, जिसकी जो 1800 रुपए डीपी है, उसका एमआरपी करीब करीब 2200 रुपए होगा। तो पर मंथ आपके 400 रुपए बच रहे हैं, यानी कि 1600 रुपए टोटल आपके 4 महीने में बच रहे हैं। अब इन चीजों को अगर आप ऐड करते हैं, जो फायदे हैं जो वापस आ रहे हैं आपके पास वो आप ऐड करते हैं, तो सबसे पहले एमआरपी और डीपी का डिफरेंस हो गया जो कि 1600 रुपए हो गया। 1600 रुपए के साथ साथ अगर आप देख रहे हैं आपको स्कीम मिल रही है 600 रुपए की, फिर जो आपको चेक बनेगा, अगर आप गौर करेंगे आप जो सामान खरीद रहे हैं उसका चेक बनेगा, करीब करीब 50 रुपए का बनेगा।
महीने का, तो 2-4 महीने का हो गया 200 रुपए, और 1200 रुपए का, 1250 रुपए आपका प्रोडक्ट मिलेगा वापस। तो टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 3650 होता है, जिसका डिस्काउंट परसेंटेज आता है 50%। और इसीलिए वेस्टीज कहती है कि कंसिस्टेंट रहें। और हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर एमआरपी देखे जाए, 1250 रुपए का जो प्रोडक्ट हमको फ्री दे रहे हैं, वो एमआरपी उसका देखा जाए तो 1400 रुपए करीब करीब होगा, तो ये 150 रुपए का फायदा आपको होगा। और वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब 100 PV और 60 PV में एक डिफरेंस है। अगर 100 PV में आप 250 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो 100 PV में आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, वो आपकी पसंद का होता है। लेकिन 60 PV में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो एक कंपनी का सेट पैटर्न है, एक सेट ग्रुप है, वही मिलेगा वो, उसमें हमारे पास चॉइस ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद वो प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो इस्तेमाल करने योग्य होंगे, हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, घर में इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे प्रोडक्ट दे दिए हैं जो इंसान इस्तेमाल ना कर पाए। सो हमारे लिए इस्तेमाल करने योग्य होंगे। इन मेनी केस वो प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ रहे हैं, वो डिस्काउंट हमारे पास वापस आ रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। और इसीलिए मैं बार बार आपसे ये कहूंगा कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की टाइम में। आज के समय में हमारे लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें, रिपर्चेज क्यों करें, कैसे करें, और कंसिस्टेंसी हमारे लिए कैसे बेनिफिशियरी है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवाल है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो सवाल अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट द पैनलिस्ट इफ दे कैन रीड द क्वेश्चंस एंड आस्क। अगर आप जो पैनलिस्ट हैं मुझे सुन रहे हो, विकास, दीपक, तो आप सुन, आप वो प्रोडक्ट, आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, और इन सवालों के जवाब में श्योर सर। सवाल है, यदि किसी की न्यू जॉइनिंग 100 पीवी की होती है और अगले मंथ वो 60 पीवी की रीपर्चेस करता है, तो क्या उसका 60 पीवी वाली दूसरी कंसिस्टेंसी मानी जाएगी? सर, अगर आप 100 पीवी की कंसिस्टेंसी चला रहे हैं और अगले महीने आपने 100 पीवी की नहीं करी, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी 100 पीवी वाली ब्रेक हो गई। और दूसरे महीने आपने 60 पीवी करी, तो वो 60 पीवी का पहला महीना मान लिया जाएगा, और उसके अगले 3 महीने आप 60 पीवी करेंगे, आपकी 60 पीवी कंसिस्टेंसी मान ली जाएगी। ओके सर, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। From 60 PV consistency, will the product be choice of customer or fixed? Last में ही सर ने बताया कि जो product के choices है, वो आपको fixed products मिलेंगे 60 अभी PV तक, में। अभी तक दीपक, I'm sorry to interrupt you. अभी तक हमारे पास यही है कि fixed choice of product मिलेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि Vestige एक distributor driven company है, आप सारे लोगों की परिवार है, और इन परिवारों में से हम सजेशंस और सुझाव हमेशा लेते रहते हैं, और ये सुझाव मैनेजमेंट के पास भी जा रहे हैं, और सुझाव पहुंचेगा और मैनेजमेंट इसमें चेंज करेगा, तो हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों को चॉइस ऑफ प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक इसमें चॉइस नहीं है। थैंक यू सर, आपके इस रिप्लाई के साथ ही इनके जो दूसरा पार्ट था सवाल का, वो भी कवर अप हो चुका है। दीपक सूद सर हैज मेंशन दैट ही इज कंसीडरिंग द ऑप्शंस एंड इज देयर एनी अपडेट, तो जैसे ही होता है वो अपडेट कर दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन में। वीबीडी का, ये थोड़ा वीबीडी से जुड़ा सवाल है, वीबीडी का पीवी कंसिस्टेंसी में माना जाएगा? सर प्लीज। सर, वीबीडी की कंसिस्टेंसी अलग चलती है, वेस्टीज की कंसिस्टेंसी अलग चलती है। वीबीडी की कंसिस्टेंसी के लिए आपको वीबीडी के ऐप पर लॉग इन करना पड़ेगा। वेस्टीज की कंसिस्टेंसी डिफरेंट है, वेस्टीज में 100 पीवी और 60 पीवी कंसिस्टेंसी है, वो आपको वेस्टीज में मिलेगी। अभी सर एक सवाल और है, इस पे चाहूंगा सर एक बार आप इनको जवाब दे दे। 60 पीवी कंसिस्टेंसी में फोर्थ मंथ के फ्री प्रोडक्ट क्या होंगे? सर, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो प्रोडक्ट होंगे वो आपके यूज के होंगे, आपके इस्तेमाल के योग्य होंगे। अभी इसमें अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं आएगी कौन से प्रोडक्ट होंगे, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन आपके इस्तेमाल के प्रोडक्ट होंगे। आप लोग, हर इंसान, हर व्यक्ति उन उत्पादों को इस्तेमाल कर सकेगा, आम व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर सकेगा, ऐसे प्रोडक्ट होंगे। 100 पीवी का ऑफर कंटिन्यूस दो टाइम एक मंथ में किया, तो क्या अगले महीने, तो हर महीने दो ऑफर मानी जाएगी? बिल्कुल सर, अगर आप 100 पीवी की एक आईडी पे 100 पीवी की बिलिंग कराते हैं और उसी आईडी पे 100 पीवी की दूसरी बिलिंग कराते हैं, एक महीने में एक आईडी पे आप 400 पीवी की कंसिस्टेंसी चला सकते हैं।
लगातार 4 महीने तक अगर आप 100-100 पीवी की चार कंसिस्टेंसी चलाते हैं तो 4 महीने बाद आपको 2500-2500 के चार वाउचर्स मिलेंगे। सर विकास कुकरेती जी का सवाल है जो कि आप कहे तो मैं पूछ लूं सर। नहीं नहीं सर, सवाल मेरा लिए एक सवाल आया था तो मैंने उसको कॉपी करके पेस्ट किया पीछे से। ओके कोई बात नहीं, आप पूछो विकास। मल्टीपल इनवॉइसेस में इस क्या आप हर महीने मल्टीपल इनवॉइसेस में कर सकते हैं कंसिस्टेंट या सिर्फ फर्स्ट मंथ में हर महीने कर सकते हैं सर? कंसिस्टेंसी आप हर महीने मल्टीपल इनवॉइसेस में कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर आप 60 पीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, आपने 10-10 पीवी की 6 इनवॉइसेस भी कराई तो वो आपको 60 पीवी मानी जाएगी। आप 4 महीने तक 10-10 पीवी की 6 इनवॉइसेस कराते रहे तो भी वो आपकी चार महीने मान लिए जाएंगे। इसी तरह 100 पीवी की भी आप 10-10 पीवी की 10 इनवॉइसेस कराएंगे तो भी वो आपकी 100 पीवी मान लिए जाएंगे। आप फ्री हैं, आप वेस्टीज आपको ये पावर देता है आपके हाथों में, एक कंज्यूमर के हाथ में, कि आप अपने शर्तों पे उत्पादों को ले सकें, अपने तरीके से ले सकें, जिसमें आपको सुविधा हो वैसे ले सकें। आकाश अवस्थी जी का सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति 200 पीवी की परचेज करता है तो क्या वो कॉम्बिनेशन में माना जाएगा दो कंसिस्टेंसी का? अगर कोई 200 अगर वो 200 पीवी लगातार उनका क्या पूछना है कि सिंगल इनवॉइस में अगर 200 पीवी वो 200 पीवी 4 महीने तक लगातार आप करते हैं तो यस आपकी दो कंसिस्टेंसी मानी जाएगी। सर एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपको कंसिस्टेंसी डेट जो आपकी है 12 तारीख उसके उसी टाइम के हिसाब से करनी पड़ेगी आगे चल के, तो वो माना जाएगा राइट सर? हाँ, और अप्रैल महीने के लिए ये कंसिस्टेंसी की डेट 25 अप्रैल तक है जी सर। थैंक यू सो मच सर। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। थर्ड मंथ काफी लोगों का ये सर कंफ्यूजन है, मैं चाहूंगा आप इसे क्लियर करें। जैसे कि कुछ लोगों की कंसिस्टेंसी मार्च में छूट गई है या नहीं कर पा रहे हैं इस समय की सिचुएशन की वजह से, तो उन्हें हम कैसे कंसिडर करेंगे सर आगे वो मैनेज? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, कंसिस्टेंसी आई वुड रिक्वेस्ट कि वो पोस्टर अगर स्क्रीन पे शेयर कर दें या विकास इफ यू कैन शेयर द पोस्टर ऑफ अनाउंसमेंट तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूं लोगों को, और इफ यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन सो दैट आई कैन शेयर माय स्क्रीन। आप सब ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें कंपनी ने जो पहला पॉइंट दिया है कि कंसिस्टेंसी मार्च 2020 से कैंसिल कर दिया गया। अगर आप मार्च में नहीं कर पाए या अप्रैल में नहीं कर पाते हैं लॉकडाउन की वजह से, तो जब आप करेंगे, जब नॉर्मल हो जाएगी चीजें, नॉर्मल हो जाएंगी, हालात सामान्य हो जाएंगे और तब आप कंसिस्टेंसी की बिलिंग कराएंगे, तो वो आपका अगर 2 महीने हो गए तो वो तीसरा महीना मान लिया जाएगा और उसके बाद आपको 1 महीने और करके आपका वाउचर रिलीज कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। एक और सवाल है, वीवो 1901 100 पीवी का सीएनसी कोई ले रहा है, नेक्स्ट मंथ 60 पीवी का लिया, तो 100 पीवी का सीएनसी ब्रेक हो जाएगा तो क्या 60 पीवी का सीएनसी कंप्लीट होने के बाद फिर से 100 पीवी का लिया तो क्या वो पहली वाली 100 पीवी वाली कंसिस्टेंसी के साथ कंबाइंड माना जाएगा या नहीं, या दो सीएनसी माना जाएगा? नहीं सर, अगर आपने 100 पीवी आप लगातार 100 पीवी चला रहे हैं, अगर 2 महीने आपके 100 पीवी हो चुके हैं तो तीसरे महीने अगर आप 60 पीवी लेते हैं तो 100 पीवी की आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई और 60 पीवी की कंसिस्टेंसी चालू हो जाएगी और पहले महीने की 60 पीवी की कंसिस्टेंसी मान ली जाएगी। राइट सर, थैंक यू सो मच। एक सवाल आया है रविंद्र बहरा जी का, एश्योर एंड वीबीडी शॉपिंग मल्टीपल इनवॉइस में करते हैं कंसिस्टेंसी। सवाल दिनेश जी का है सर, एश्योर एंड वीबीडी से शॉपिंग मल्टीपल इनवॉइस में करते हैं तो क्या कंसिस्टेंसी में मानी जाएगी? एश्योर एंड वीबीडी लिखा है सर इन्होंने, मतलब वेस्टीज और वीबीडी। मैं आपको बता देता हूं कि वेस्टीज की कंसिस्टेंसी अलग चलती है और बेस्ट डील वेस्टीज बेस्ट डील की कंसिस्टेंसी अलग चलती है। तो वेस्टीज की कंसिस्टेंसी में आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट लेने होंगे और वेस्टीज वीबीडी की कंसिस्टेंसी में आपको अलग प्रोडक्ट वीबीडी से लेने होंगे। वो दोनों कंसिस्टेंसी आप चला सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग बिलिंग करानी होगी और वेस्टीज के प्रोडक्ट आपको अलग लेने होंगे, वेस्टीज के 100 पीवी करने होंगे या 60 पीवी करने होंगे। वीबीडी के से अगर आप कोई खरीदारी करते हैं तो वो
वेस्टीज की कंसिस्टेंसी में मान्य नहीं होगा, उसी तरीके से वेस्टीज से आप कोई खरीदारी करते हैं तो वीबीडी की कंसिस्टेंसी में मान्य नहीं होगा। सर कई सारे लोगों का ये सवाल आता है, आशुतोष झा जी का भी वही सेम सवाल आया है कि जब कोई व्यक्ति अगर नया आता है तो क्या उसको हम 60 पीवी की कंसिस्टेंसी में ला सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं? सर बिल्कुल आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं 60, आप उसकी ज्वाइनिंग जो आप पहली ज्वाइनिंग करा रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट महीने जो ज्वाइनिंग हो रही है वो 100 पीवी से आप करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी 60 पीवी से ज्वाइनिंग कराएंगे तो वो उसकी पहले मंथ की कंसिस्टेंसी नहीं मानी जाएगी, उसके लिए उसको 60 पीवी की रिपर्चेस करनी होगी। सौ पीवी पे स्कीम है ये है कि ज्वाइनिंग जो आप कराते हैं 100 पीवी से अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो कंसिस्टेंसी होती है, फर्स्ट मंथ कंसिस्टेंसी मान ली जाती है। जी सर, अगला सवाल है पवन राजपूत जी का, फ्रॉम पवन राजपूत जी का सवाल है, सर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने दिसंबर 2019 को अपनी ज्वाइनिंग 100 पीवी से की, जनवरी फरवरी मार्च 2020 तो उनका वाउचर आएगा 2500 का? सर अगर 4 महीने लगातार 100 पीवी की कंसिस्टेंसी हुई है, ज्वाइनिंग उन्होंने 100 पीवी से करी है और उसके बाद 3 महीने 100 पीवी कंसिस्टेंसी 12 तारीख से पहले किया है तो बिल्कुल उनका वाउचर आएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। 60 की 3 टाइम टोटल 180 पीवी हो जाती है, तो क्या 100 पीवी और 60 पीवी माना जाएगा या 60 पीवी कंसिस्टेंसी 3 महीने मानी जाएगी? सर मैंने कंसिस्टेंसी 4 महीने होना जरूरी है, कंसिस्टेंसी 4 महीने होना बहुत जरूरी है। अगर 4 महीने इसी मल्टीपल इसी डिनोमिनेशंस में आप कर रहे हैं, 180 पीवी 4 महीने लगातार आप कर रहे हैं तो वो एक 100 पीवी की और एक 60 पीवी की कंसिस्टेंसी मानी जाएगी या 3 60 पीवी की कंसिस्टेंसी मान ली जाएगी। टीना भाटिया जी का सवाल है, सर वैसे तो आप इस सवाल का पहले भी जवाब दे चुके हैं लेकिन शायद उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, 100 पीवी वाले कंसिस्टेंसी में 5 मंथ में प्रोडक्ट कंपनी की चॉइस से मिलेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर की चॉइस के? 100 पीवी वाली कंसिस्टेंसी में आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की चॉइस पे मिलेंगे, 60 पीवी वाली कंसिस्टेंसी में कंपनी की चॉइस पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं सर। 60 पीवी क्या आदिल सिद्दीकी जी का क्वेश्चन है, सवाल है कि 60 पीवी और 100 पीवी की दोनों कंसिस्टेंसी एक ही मंथ में एक साथ क्या एक ही आईडी पर चलाई जा सकती है, मानी जाएंगी? बिल्कुल चलाई जा सकती है सर, एक आईडी पे आप 100 पीवी की 4 कंसिस्टेंसी चला सकते हैं और एक ही उसी आईडी पे आप 60 पीवी की भी 4 कंसिस्टेंसी चला सकते हैं एक महीने में लगातार 4 महीने तक। अगर आप 100 पीवी की 4 कंसिस्टेंसी करते हैं एक आईडी पे और आप लगातार 4 महीने बाद 4 महीने लगातार आप 100 पीवी कर रहे हैं, 1 महीने में 4 कंसिस्टेंसी ले रहे हैं तो 4 महीने बाद आपको जो वाउचर मिलेंगे वो 2500 के 4 वाउचर मिलेंगे 100 पीवी पे, और अगर 60 पीवी की भी आप 4 कंसिस्टेंसी एक आईडी पे चला रहे हैं तो आपको 4 महीने बाद जो आपको वाउचर मिलेंगे वो 1250 रुपए के 4 वाउचर मिलेंगे। सर दीपा जी का सवाल है कि 100 पीवी की पहली बिलिंग करे तो कंसिस्टेंसी मानी जाती है, अगर 60 पीवी की पहली बिलिंग करे तो क्या वो कंसिस्टेंसी मानी जाएगी फर्स्ट बिलिंग? फर्स्ट बिलिंग आप जो करते हैं रीपर्चेज, याद रखिएगा 60 पीवी की जो है वो रीपर्चेज में है, तो अगर आप रीपर्चेज करते हैं 60 पीवी 12 तारीख से पहले या अप्रैल में 25 तारीख से पहले तो वो पहले महीने की कंसिस्टेंसी मान ली जाएगी। 100 पीवी से ज्वाइनिंग करते हैं तो वो पहले महीने की कंसिस्टेंसी मानी जाती है, 60 पीवी से अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं है। राइट सर, हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। रिति जैन जी का सवाल है, मेरी 3 मंथ की कंसिस्टेंसी हो गई है बट मार्च की शो नहीं हो रही है और हमें भी क्या हमें भी ये ऑफर मिलेगा अगर पहली अप्रैल ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू रहेगी? सर अगर आप रिति जी मैडम आपका अगर 3 महीने कंसिस्टेंसी हो चुकी है और वो शो नहीं कर रही है आप में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ब्रांच में जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है अगर आप कानपुर या गाजियाबाद उनसे बात करेंगे अपना आईडी नंबर बता के वो चेक कर लेंगे कि आपकी 4th महीने कंसिस्टेंसी हो गई है कि नहीं हुई है, और अगर मार्च में आप नहीं कर पाई हैं अप्रैल में भी नहीं कर पाई तो जब नॉर्मल सी होगी जी जो नॉर्मल होंगी आप उस 4th महीने कंसिस्टेंसी कर लेंगे तो आपको वो कंसिस्टेंसी मान्य हो जाएगी। मोहित जी का सवाल है क्या हम 160 अगर हम 160 पीवी की जो है 4 महीने तक करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा?
160 पीवी की है 100 पीवी की जी सर। तो अगर 160 पीवी आप 4 महीने करते हैं तो आपकी 100 पीवी की हो गई और 160 पीवी की हो गई, तो आपको जो 4 महीने बाद वाउचर मिलेगा 2500 का एक मिलेगा और 1250 का एक मिलेगा। विशाल जी का सवाल है सर, अगर मल्टीपल इनवॉइस में 160 पीवी करते हैं तो क्या दोनों सीएनसी मानी जाएगी? मैं सुन नहीं पाया दीपक जी, फिर सर, सवाल रिपीट कर देंगे। सर अगर मल्टीपल इनवॉइस में 160 पीवी को करते हैं तो क्या वो दोनों सीएनसी मानी जाएगी मल्टीपल इनवॉइस में? बिल्कुल, 4 महीने, 4 महीने अगर आप 4 महीने लगातार मल्टीपल इनवॉइस में 160 पीवी कर रहे हैं तो वो दोनों कंसिस्टेंसी मानी जाएंगी सर, 100 पीवी वाली और 160 पीवी वाली। सर कुछ वीबीडी से रिलेटेड सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। वीबीडी के डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट को कैटेगरीज में डिवाइड क्यों नहीं किया जा रहा है सर? प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है डिफरेंट प्राइस के। आनंद बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सजेशन है सर आपका कि अगर कैटेगरी वाइज नहीं डिजाइन किया जा रहा है, ये आपका सजेशन हम नोट करते हैं एंड वी विल पुट इट टू, हम वीबीडी डिपार्टमेंट से बात के पास ये बात पहुंचाएंगे आपका सजेशन, कैटेगरी वाइज उसको डिफाइन कर दें और आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो उस एप्लीकेशन से किसी तरह की शॉपिंग करने में। सर ये आज के हमारे सवाल थे और जितने भी सवाल हमारे पास आ रहे थे अब वो सर मैक्सिमम सवालों का सर हमने जवाब दे दिया है और आगे का सर आज के सेशन को वाइंड अप करने के साथ साथ सर आपका एक इम्पोर्टेंट मैसेज जिसके माध्यम से हमारे जितने भी आज श्रोता हैं, जितने भी लिसनर्स हैं और साथ में हम सब जितने भी जो है पैनलिस्ट है वो उससे लाभ उठा सके सर, आपका सर एक बेहतरीन मैसेज चाहिए सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इन चीजों को समझा, हम इसी तरह आपके लिए मौजूद हैं सर, हम आपको आगे बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दीपक जी से कि हम लोगों के नंबर्स भी आपके पास शेयर कर दें, आप हमारे नंबर्स ले सकते हैं, आप चाहे तो वो नंबर्स अपने पास सेव करके रख लीजिए और हम अगर आपका फोन नहीं भी उठा पा रहे हैं किसी ट्रेनिंग में तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हम उस व्हाट्सएप पे भी दे देंगे। साथ साथ मैं आप सबसे आखिरी में एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि सिचुएशन नजरिए की बात होती है दोस्तों, एक ग्लास अगर आपके सामने आधा भरा हुआ रखा है तो कुछ लोगों को आधा ग्लास खाली दिखाई देगा और आधा ग्लास कुछ लोगों को भरा हुआ दिखाई देगा। कुछ लोगों को इस समय लॉकडाउन में बहुत समस्याएं महसूस हो रही होंगी और कुछ लोग इसको एक मौके के रूप में देख रहे हैं। मेरा अंत में आप सबसे एक ही चीज कहना होगा कि इस लॉकडाउन को, इस जो कोरोना वाली जो महामारी चल रही है, इस पैनडमिक को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के रूप में देखिए, ये एक मौका है कि ताकि आप हर उस इंसान से, व्यक्ति से जुड़ सकें, जिस व्यक्ति से आप काफी समय से कनेक्ट नहीं हो पाए, ये मौका है उन लोगों से भी फॉलो अप करने का जिन्होंने कभी आपको वेस्टेज के लिए ना कर दिया था, ये मौका है अपने आप में बदलाव लाने का, ये मौका है कुछ बेटर सीखने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का, अपनी शख्सियत को बदलने का, ये मौका है कि आप आज अपने आप को ग्रो करें, अपनी अपने आप को बेटर करें और ताकि जब ये लॉकडाउन खत्म हो और जब चीजें नॉर्मल हो, हम फील्ड पे जाएं, हम लोगों से मिलने जाएं या हम बाजार में, मार्केट में बिजनेस के लिए उतरे, तो हम एक बेहतर, ना ही सिर्फ एक बेहतर इंसान के रूप में बल्कि एक बेहतर इंसान, एक बिजनेसमैन, एक सफल बिजनेसमैन के रूप में भी लोगों के सामने पेश आ सके। तो अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल मैसेज सर, एंड इट वाज ग्रेट टू आपको आज सुना, हमने काफी सारी चीजें हमने सीखी आज। स्क्रीन पे नंबर्स मौजूद है, मेरा नंबर मौजूद है दीपक मिश्रा, एरिया मैनेजर यूपी वेस्ट, एंड साथ ही साथ हमारी जो टीम है उनके नंबर्स भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे आज के जो होस्ट, आप कह सकते हैं आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट थे हमारे ZSM UPN उत्तराखंड के रचित सक्सेना सर, उनका भी नंबर मौजूद है, उत्तराखंड के जो ASM है मिस्टर विकास कुकरेती, और साथ ही साथ हमारे साथ पैनलिस्ट में भी आज हमारे ASM के यूपी ईस्ट के वीरेंद्र कुमार अरुण जी हैं, वो भी मौजूद हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपके UPN उत्तराखंड के बिजनेस के लिए वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो ये सारे के सारे नंबर्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और आप अपनी जरूरत के अनुसार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारे जो 7 पैनलिस्ट मौजूद हैं, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे रिलेटेड टू हमारे जितने भी ASMs हैं इंक्लूडिंग मी एंड हमारे ZSM मिस्टर रचित सक्सेना, और जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं अगर वो अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज अपना शेयर कर दो।
धन्यवाद रोहित जी, बहुत अच्छा सेशन रहा रचित सर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिली। स्पेशली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है जब लोगों को रीपर्चेस करने के लिए उनको समझ में नहीं आता है कि वो रीपर्चेस करेंगे तो फायदे होंगे कि नहीं होंगे, तो आज रचित सर ने इतने अच्छे से जानकारी दी, आई एम श्योर बहुत सारी जानकारी समझ में आई होगी लोगों को। तो ऐसे में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग रीपर्चेस को कंटिन्यू करें और इसके फायदे लें, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। और जिस प्रकार के फायदे रचित सर ने बताए वो सारे फायदे भी आपको साथ ही साथ मिलेंगे, तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसको यूज कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाने में मदद लीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ। विकास जी, आप भी हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे एएसएम, प्लीज। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए और सबसे बड़ा डाउट ये क्लियर हुआ है कि हम लोग को कोई सामान बेचना नहीं है, यानी कि हम लोग सेल करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग सामने वाले व्यक्ति की जो भी प्रोस्पेक्ट है, जो भी हमारे साथ टीम में जुड़ रहा है, हम लोग को इसकी उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट, उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को रिकमेंड करना है। जैसे कि डॉक्टर जो भी मरीज उसके पास आता है, उस मरीज की सारी बातें सुनता है, समस्या को समझता है, उसके बाद उसको दवाई देता है, वैसे ही हम लोगों को जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं उनके बारे में समझना है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है और उसके बाद जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल उनको रिकमेंड आगे करने हैं। जब उसको पसंद आएगा, जरूरत महसूस पड़ेगी, इसलिए वो आपका रीपर्चेस करता है। तो ये मैम बहुत अच्छा पॉइंट था जो सर ने हम लोगों को समझाया। और इसके साथ मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आजकल के सिनेरियो को देखते हुए घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने लिंक्स जो भी जिनसे हम लोग आजकल जो हमारे पास समय है उस समय को हम लोग को यूटिलाइज करना है, उन सब लोगों से बात करने के लिए जिनसे हम लोग हाल फिलहाल में बात नहीं कर पाए हैं, बेटर रहेगा उनसे हम लोग उन सब लोगों से बातें करें, उनसे अपने जो भी रिलेशन है उनको ज्यादा स्ट्रांग करें, ताकि जिस दिन भी हम लोग बाहर निकलेंगे उस दिन हम लोग उनके पास जाकर के अपनी बातें समझा सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच। हमारे जितने बेहतरीन पैनलिस्ट थे उन सबके फीडबैक्स हमको मिले, उनकी उनकी बातों को हमने सुनने का मौका मिला। और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कल सुबह 10 बजे की जो स्पेशल सेशन होता है मेगा CNT, वो आप लोगों की उसकी आईडी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। वेबिनार की आईडी जो है, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ जो लोग नोट करना चाहें, 9154075066। तो ये आईडी है जो कि आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कल सुबह 10 बजे हम आपको दोबारा से मिलेंगे एक शानदार सेशन के अंदर, जिसका नाम है मेगा CNT सेलर नरिशमेंट थेरेपी, जहां पे हमारे बेहतरीन पैनलिस्ट होंगे जो कि आपको शेयर करेंगे कंपनी के बारे में हर एक बेसिक इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में ओवरव्यू और बेहतरीन मार्केटिंग प्लान की जानकारी। सो इसी तरीके से हम सुबह 10 बजे, फिर 3:30 बजे मीट द लीडर सेशन, और उसके साथ ही साथ शाम का एक बेहतरीन प्रोडक्ट सेशन 5 बजे लेकर के आते हैं। और भी अन्य प्रोग्राम्स के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, हम अपने मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं, आप अपने हर तरह की समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। इसी मैसेज के साथ मैं आपका होस्ट दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर UP West, आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा और अलविदा कहूंगा। और एक ही मैसेज, अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।